एडिबिट फन में आपका हार्दिक स्वागत है। आपने पिछले वाला स्प्रे पेंटिंग का वीडियो देखा है, जिसमें हमने शेप से एक सीनरी बनाई थी। आज हम वापस से एक स्प्रे पेंटिंग वीडियो बना रहे हैं, जिसमें हम नंबर्स और लेटर्स को सीखेंगे स्प्रे पेंटिंग के द्वारा। चलिए शुरू करते हैं। स्प्रे पेंटिंग की इस फन लर्निंग एक्टिविटी के लिए A4 पेपर लीजिए और डिफरेंट नंबर्स लीजिए। इस तरीके से नंबर्स लेकर के उन्हें रख दीजिए और लेटर्स रख दीजिए। अरेंज करिए, बच्चों को बोलिए अरेंज करने के लिए। मैंने यहाँ पे नंबर्स और लेटर्स दोनों साथ में अरेंज किए हैं, आप चाहें तो अलग अलग कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास में नंबर्स नहीं है ऐसे कटआउट, तो आप उनको काट भी सकते हैं। पहले एक टूथब्रश बहुत जरूरी है, पेंट लीजिए, ब्रश लीजिए, कलर पैलेट लीजिए और टूथब्रश के ऊपर पेंट को लगाइए पेंट ब्रश की सहायता से। यहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन जो दे रही हूँ, ये बच्चों को भी देना बहुत जरूरी है, क्योंकि वह उन्हें इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता लगेगा। इस तरीके से थंब को यूज करते हुए, अंगूठा यूज करते हुए स्प्रे करते जाइए और ध्यान रखिए ये पेपर हिलना नहीं चाहिए, ताकि शेप का फॉर्मेशन सही आए। इस तरीके से कलर और लीजिए ताकि शेप बिल्कुल सही तरीके से बन जाए यहाँ पे, क्योंकि ये नंबर्स का और लेटर्स का जो इंप्रेशन बनेगा उसी से बच्चे सीखेंगे। यहाँ पे आप ये देखिए कि लर्निंग आउटकम कितना ज्यादा है बच्चों के लिए। यहाँ बच्चे केवल स्प्रे पेंटिंग ही नहीं सीख रहे हैं, ये सीख रहे हैं उनका फाइन मोटर स्किल बढ़ रहा है, क्योंकि वो अंगूठे और उंगली की सहायता से काम कर रहे हैं। यहाँ उनका कॉग्निटिव स्किल बढ़ रहा है, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि कौन सा शेप, कौन सा लेटर कहाँ था, कौन सा नंबर कहाँ था। यहाँ वो ये सीख रहे हैं कि नंबर्स और लेटर्स को कैसे लिखा जाए। तो इस तरीके से नंबर, लेटर्स और नंबर्स हटा दीजिए स्प्रे पेंटिंग करने के बाद में। अब बच्चों को वो इंप्रेशन दिख रहा है, एक शेडो दिख रही है उस नंबर्स की और पेंट की। अब उस पे बच्चों को पूछिए कि ये कौन सा नंबर है और उन्हें लिखने के लिए मोटिवेट कीजिए। उसके लिए आप उन्हें मार्कर दे सकते हैं या पेंसिल दे सकते हैं या स्केच पेन, जो भी आपके पास में, बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे अगर बड़ा बच्चा, छोटा बच्चा है, तो उसे मार्कर दीजिए, क्योंकि उसकी उंगलियां छोटी होती हैं और उन्हें पकड़ने में इजी रहता है। तो इस तरीके से नंबर उसको लिखने के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि वही नंबर अभी अभी यहाँ पर हमने स्प्रे पेंटिंग के द्वारा बनाए हैं। इस तरीके से आप वो जो नंबर आपने लिखे हैं वो यहाँ पे सामने भी रख सकते हैं बच्चों के, ताकि वो सीखें और समझें। इस तरीके से नंबर लिख दे के बच्चों को मदद कीजिए। अगर बच्चे मदद चाहते हैं तो पेरेंट्स प्लीज उन्हें आप हेल्प कीजिए और लेटर्स भी लिखिए। लेटर्स को करने के लिए उन्हें मोटिवेट कीजिए कि इस तरीके से लेटर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ मैंने नंबर्स और लेटर साथ में किए हैं, आप चाहे तो अलग अलग कर सकते हैं, जैसे मैं पहले भी बोली थी। अब यहाँ पर अगर ज्यादा छोटे बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है, तो उनके लिए आप उन्हें फिंगर ट्रेसिंग करा सकते हैं। उन्हें फिंगर ट्रेसिंग से बताइए कि ये कैसा नंबर आपने लिखा है यहाँ पे। तो आपने देखा एक सिंपल सी एक्टिविटी से कितनी सारी चीजें सीखी हैं, और सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। इसलिए बच्चों को सिखाइए और उन्हें समझाइए और आप भी मजे लीजिए। आशा है आपको ये एक्टिविटी पसंद आई होगी और आप इस एक्टिविटी को अपनी फैमिली, बच्चों के साथ में करेंगे। धन्यवाद। आप सभी ने इसको देखा वीडियो को, इसके लिए धन्यवाद। इसे लाइक किया आशा है, और इसे शेयर करेंगे ये भी मुझे आशा है। और मुझे आप फीडबैक भी दे सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं मेरे फेसबुक और जीमेल अकाउंट पर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।